से बोलिए धन गुरुनाथ, बात बीच में रह गई। दसवंध, प्रेफरेंस उसे दिया करो, अपने हाथ से किसी गरीब जरूरतमंद की जाके मदद कर दी। मदद किसकी? बाबा नंद सिंह जी समझाते थे कि जो मांग ना सकता हो, ध्यान देना, उसे कहते हैं सफेद कपड़े वाला। सफेद कपड़े ऊपर से नहीं, भीतर वाला। ईमानदार है, मांगने में शर्म कर रहा है, पर उसे जरूरत है, बहुत तकलीफ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे ऐसे आदमी की जाके मदद करो, समझो के गरीब की मुख गुरु की गोलक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो मांग नहीं सकता, हालत खराब है आपको पता है, जब पर उसकी शर्त है देने की, जाके दे, बुलाकर नहीं, जाके दे, छिपा के दे, और हो सके तो रजा के भी दे, उसका काम पूरा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दूसरा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, दान दियो इन्हीं को भलो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं दूसरा दान की जगह है गुरु की संगत, गुरु का लंगर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लंगर में। पहली प्रेफरेंस अपने हाथ से जरूरतमंद की मदद, अगर नहीं दिखा, कोई नहीं मिला, तो गुरु का लंगर। गुरु का लंगर गरीब के मुख में भोजन बनकर ही जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और केवल धन का दान मत दिया करो, मैं हमेशा कहता हूँ धन का दान सबसे निचला है। अपने श्रम का दान दो, अपनी सेवा का दान दो। जिस दिन आप, ये गाड़ी जाती है रोज, रोज गाड़ी जाती है लंगर बांटने के लिए, दास बेनती करेगा, कोई ना कोई सेवा करता है कि आज हमारी तरफ से सेवा, आज हमारी तरफ से, वो परिवार खुद भी जाए बांटने लंगर, तो सेवा करते हैं। अपने हाथों से जाके सेवा करो गरीब की, आपको जो आनंद आएगा वो खाली पैसे देकर नहीं आने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो नहीं कर सकता धन की सेवा, वो तन की सेवा दे, वो जाके लंगर बांटे हो, वो धन की सेवा से भी ऊपर है जो बांटने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक की मेहर से जो नानक रोटी शुरू किया था, अब इंडिया में 21 जगह पर चलती है। गुरु नानक मेहर करे, जितने 200 स्थान गुरु ने बख्शे हैं, सारे 200 स्थानों पर ये नानक रोटी शुरू हो जाए। गुरु नानक मेहर करे, ताकि कोई भी जहाँ पे अमृतला ट्रस्ट हो, वहाँ पर, उस शहर में, उस जगह पर कोई भूखा ना सोए। गुरु नानक मेहर करे। और एक बहुत खुशी हो रही मुझे ये बताते हुए कि पिछली बार जब दिवाली के दिन हम जा रहे थे, सारे सेवादार ना मिलकर जा रहे थे, जरूरतमंद, ऐसे जरूरतमंद है साथ संगत जी, वो घर देखेंगे ना, जहाँ पर हम देके आ रहे थे खाने के लिए मिठाइयाँ, उस घर में आप बैठने के भी नहीं सोच सकते जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। बैठने को भी एक डर लगेगा कि कैसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास, अंधेरा है, लाइट तक नहीं। तो मेरे साथ कोई था जिसने मुझे कहा कि आप एक बार खिला दोगे तो क्या इनका संवार दोगे, ये जितने भी लोग हैं इनको कोई जॉब दिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। तो अमृतला ट्रस्ट ने, मैंने कुछ म्यूनसिपालिटी के एक हमारे रेखा दीदी है, उनसे बैठकर मैंने बात की, उन्होंने एक बहुत अच्छे सजेशन दिया। हम वो काम अभी शुरू करने जा रहे हैं, जो लंगर हॉल की बिल्डिंग बन रही है, एक फ्लोर पूरा 4,500 स्क्वायर फुट का शायद एक फ्लोर है, एक या दो फ्लोर जितने चाहे तीनों चले जाए, उसमें जितनी भी गरीब लेडीज हैं उस घरों में रहती हैं, उनको हम जॉब देने जा रहे हैं। जॉब किस तरह से, कोई ऐसा प्लान डालने जा रहे हैं जहाँ पर खर्चा सारा अमृतला ट्रस्ट की तरफ से संगत करेगी, उसके बाद वो जो भी कमाई होगी उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, उनमें बांट दी जाएगी, ताकि वो पार्टनर बन जाए उसमें, ताकि एक एक हिस्से में 10-12 हज़ार रुपये महीने के कम से कम आए, ताकि उनका हमेशा की गरीबी दूर हो जाए। और वो है कहाँ पे? गुरुद्वारे के अंदर। तो उनको अमृतवेले से भी जोड़ दिया जाएगा साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि खाली धन देने से बात नहीं बनेगी, खाली उनको 10-12 हज़ार महीने का मिल जाने से बात नहीं बनेगी, बात तब बनेगी अगर उनके जीवन में राम का नाम आ गया। अगर नाम आ गया, उनकी किस्मत में अमृत वेले उठ के उन्होंने जपना शुरू कर दिया, तो वही लेने वाले हाथ देने वाले बन जाएंगे। ये गुरु नानक पाशा के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, इस शरीर से जितना निकलता है। ये बातें दास यहाँ पर क्यों बता रहे पता है? मेरा मन है कि जो भी हम यहाँ पे करते हैं ना साथ संगत जी, मैंने एक बात नोट की है कि तकरीबन 200 स्थान पे अमृतला ट्रस्ट के ट्रस्ट बन चुका है, संगत जुड़ी हुई इस वक्त भी लाइव देख रही है,
मैं यहाँ पे जो भी कुछ अनाउंस करता हूँ ना छोटा सा भी कि हम दिवाली में गरीबों में बांटेंगे तो सब लोग जाके बांटना शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ नानक रोटी गाड़ी डाली है तो सब लोग कोशिश करते हैं, सबने गाड़ियाँ डाल ली। तो मैं ये बताया तो मुझे उम्मीद है जितने लोग भी सुन रहे हैं आप वो सब भी ये भी करेंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।